हाँ नमस्कार बच्चों। तो हमने कहा जाता है कल कुछ होमवर्क दिया था लास्ट पिछली क्लास में। तो सबसे पहले हम इस पे एक करके सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप भी देखो सब लोग, ठीक है। देखो चेक करो जिसका सही है अच्छी बात, जिसका सही नहीं है तो वो देखो, वो भी देखो। इसका मान दिया है पी, इसका मान दिया क्यू, तो इसका मान प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके रखें हम वैल्यू, तो क्या रखेंगे, sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है, प्लस ये वाला ले रहे हम, तो क्या है पी स्क्वायर, मतलब क्या है यहाँ ब्रैकेट ले ले हम, ब्रैकेट ले ले साइन थीटा इन प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस वन, बोलो बराबर टू पी। टू पी का मतलब है साइन थीटा इन प्लस cos थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक। इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन cos थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा। दूसरा इसको खोल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू cos थीटा, बोलो। निधि बेटा समझाया करे तो उस दौरान पे बोर्ड पे देखा करो आप, तो आपको ध्यान यहाँ रहेगा जितना अच्छे से उतना अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो ये इसको एक खोल लिया, यहाँ लिखा है माइनस वन तो माइनस वन, बोलिए। अब हमने एल एच एस लिया, मतलब एल एच एस का मतलब है ये वाला पोर्शन लेंगे तो इधर प्रूफ हो जाएगा, कैसे होगा देखते आइए। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, आ जाएगा कैसे आ जाएगा, देखो कॉस का भाग देंगे तो साइन आ जाएगा, साइन का गुणा हो जाएगा, साइन का भाग देंगे कॉस बचेगा, कॉस का गुणा हो जाएगा, बोलो ठीक समझ में आया, ठीक। दूसरा देखो इसका मान होता है वन, बोलो, और इसका मान वही होता है ये लिखा मान, तो वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गए, बोलो। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों भाग कट जाएगा, काट दें कि अगला स्टेप दिखाएं, काट दें, काट दें, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो साइन कॉस से साइन कॉस कट गए, बोलो, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बोलो ये आ गया, प्रूफ हो गया, यही करना था, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो पूछ लो अभी, ठीक है साफ कर दें, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछते जाइए। दूसरा दिया है इतना बराबर इतना, इतना बराबर तो इतना सिद्ध करना है, यही लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, ठीक। इसको कहते हैं लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर अंडर रूट टू cos थीटा, लिखा है, दोनों ऊपर कर दें, बोलो क्या है, दोनों ओर दोनों, ठीक है। वर्क कर दिया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू cos थीटा, बोलो बराबर टू cos स्क्वायर थीटा, बोलो। इसका मान होता है वन, होता है तो वन को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टू साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, बोलो। इसको मान लेते हैं समीकरण एक, क्योंकि देखो इसका जब हम ए वाला पोर्शन लेंगे तो यहाँ पे टू साइन थीटा इंटू cos थीटा आएगा, आएगा, देखिए कैसे आता है। इसको हमने ले लिया, हमने कह लिया एल एच एस, तो यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इसे इस्तेमाल करने के लिए साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का इस्तेमाल करने के लिए इसके वैल्यू निकाल लिए, ताकि इसमें जो हम स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा आएगा, तो उसकी वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, तो हमने एलएचएस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला है। ठीक है, अब इसका वर्क कर दें, बोलो वर्क कर दें। तो वर्क करने पर, तो वर्क कर दिया, तो वर्क खोलेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो हमने कहा था ना टू साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो इसी की जगह पे हमें ये रखना था। ठीक है, तो इसका मान होता वन, तो वन रख दिया माइनस। अब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह कितना रख दें, इतना रख दें, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखो माइनस हो रहा होगा, तो ये वन और वन माइनस का ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस वन, बोलो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, टू टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोलो इसका पक्ष ना करते हैं हम, क्या पक्ष ना करते हैं, अब अभी ये लिखा है बेटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, अब यहाँ पे कर दें, बोलो यहाँ पे कर दे, टू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो आएगा। इसी को हम ले सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस सर समय से कौन सी वाली से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोलो कहाँ नहीं दिख रहा आपको, तो बेटा आगे पीछे हो जाओ। यहाँ पे देखो, अब इसको पसंद कर दे हमने स्क्वायर का, स्क्वायर पसंद करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या आएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट दो साइन थीटा, बोलो यही चाहिए हमें, प्रूफ हो गया। ये वर्गमूल स्क्वायर हटा, जब पसंद करेंगे तो वर्गमूल होता है, तो साइन के ऊपर वर्गमूल आया, साइन स्क्वायर के ऊपर, तो साइन अकेला बचा, इसके ऊपर वर्गमूल आया तो अंडर रूट दो हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया ना, इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर तीसरा लगाते हैं। ठीक है, चलिए अभी दो 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 सवाल हो गए, अब तीसरा सवाल देखो, अब मैं साफ कर दिया, यहाँ पे ध्यान से दो, देखो इसमें इतना बड़ा जीरो दिया है, जीरो दिया है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको पसंद ना कर दें, ऐसे इसको पसंद कर दें, इसको क्या करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो लिखा है, इसको पसंद कर दिया, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा है, हो गया। इसको बटे में ले आए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एक हो गया, सो हो गया टेन थीटा बराबर एक, बोलो बोलो। तो एक तरीका तो जो है, अभी इसका मान क्या हो गया, टेन थीटा, इसको लिखते थे टेन पैंतालीस, तो थीटा बराबर कितना गया, पैंतालीस। अब थीटा बराबर पैंतालीस आ गया, तो इसका मान रख दें इसमें, बोलो हैं, इसका मान रख दे, तो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, साइन गया चार, सॉरी साइन गया चार थीटा प्लस कॉस गया चार थीटा बराबर एक बटे दो, बोलो। तो एलएचएस ले लिया, इसका मान रख दे साइन गया चार पैंतालीस प्लस कॉस की घात चार पैंतालीस, बोलो इसका मान होता है कितना, एक बटे अंडर रूट दो घात चार, बोलो प्लस एक बटे अंडर रूट दो घात चार, तो इसका मान कितना आ गया, एक बटे चार प्लस एक बटे चार, तो हो गया दो बटे चार, बोलो दो बटे चार का मतलब है एक बटे दो, आंसर आ गया, हो गया प्रूफ। अगर ये पैंतालीस निकालना आता तो एक तरीका और है,
इसके बटे एक कर लो तो लाल बटे कक्का, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल बना लो, ये थीटा मान लो तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गए एक, आधार हो गए एक, कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक एक कितना, ये अंडर रूट दो हो गया। अब इसमें मान लो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एक बटे अंडर रूट दो, और कॉस थीटा बराबर, बोलो कॉस थीटा क्या होगा, एक बटे अंडर रूट दो, तो ये आ गया इसके मान। पावर अब कॉस थीटा का मान रखोगे तो घात चार नहीं हो जाएगी, यही तो आएगा एक पे। अगर तुम्हें ये 45 नहीं मानने रखना आता है, नहीं है पता, तो भी इतनी आएगा फिर, ऐसे थीटा से यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्री इस फॉर्मूले से बना के। क्या सही है इसको, ये में जीरो है ना बराबर, में जीरो दे दिया, बोलो समझ में आया है दीदी, दीदी अच्छे समझ में आ गया कन्फर्म। हाँ तुम क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर दिया था, अच्छा स्क्वायर कर दिया था, तो स्क्वायर करके नहीं आ रहा था, स्क्वायर करके, चलो स्क्वायर करके ट्राई करेगा, स्क्वायर करते हैं कैसा होगा, इसका स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा है बराबर जीरो आ जाएगा, तो वन बराबर यहाँ पे आएगा एक बटे दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बोलो है यहाँ पे एक बटे दो आ रहा है, इसमें ऐसे बन रहा है, अगर इसको बनाना चाहें तो देखो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ये पता रख सकते हैं, कॉस 45 इंटू साइन 45, तो 45 का मान एक बटे दो अंडे बटे अंडर उठ दो, और एक बटे अंडर उठ दो आ रहा, तो ठीक का मान कितना हो गया, 45 हो गया, 45 रख दो इसमें, लेकिन ये समझ में भी सही आ रहा है, ठीक है समझ में आ गया। अब और लगाएं अगला सवाल, सॉरी एक काम करते हैं, देखो एक हिंट दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, तो फिर तो बताऊंगा तो है ही मैं, ठीक है ऐसे ही देखो सामने सामने, देखो ये भी है, ये बारे तो बता ही दिया मैंने कि इसका एलसीएम लो तो ये आएगा, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, तो टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा कट जाएगा, वन प्लस वन टू हो गया, इसको भी कन्वर्ट कर लो तो साइन हो जाएगा। इस वाले में देखो, इस वाले में ऐसे कर सकते हो, ये लिखा है वन टू लिखा है, तो एक हो जाएगा ए सेक स्क्वायर, एक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, बोलो फिर उसको साइन कोस में बदल दो, हो जाएगा बिल्कुल हलवा चीज़ है, हलवा हलवा। देखो सब देखो अभी ध्यान से देखो, पहले सब समझाते रहे फिर एक सवाल देते हैं, ठीक है यहाँ पे देख लो पहले, जैसा कि मैंने कहा है इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे सब सुन दे दें, तो यहाँ पे ले लिया हमने एलएचएस ले लिया पहले, क्या लिया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलो दूसरी पैकेट में आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बोलो अरे बोलो भैया, ठीक है इसका भाग करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो होगा, हाँ ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो इसका भाग करेंगे तो ये आएगा, इसका गुणा कर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो हो गया ठीक, बराबर बराबर क्या बना है, बराबर क्या हमें ये प्रूव करना है पहले हम, ठीक है तब इसके अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के ये आएगा,
अब यहाँ पर खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बोलो ऐसे यहाँ पे आएगा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अब आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, वन ए इसका मान टू हो गया, टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया, हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब साइन चाहिए हमें जिस बारे में, तो इसको लिख लें टू अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख रहे हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो लिख ले, क्योंकि साइन चाहिए ना हमें, तो इसको देखो यहाँ पे आ गया टू, टू तो ऊपर चाहिए, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बोलो इसी का मान यहाँ पे आ जाएगा टू साइन साइन टू साइन हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, हो गया प्रूफ, बोलो भैया। अब देखो पांचवा देख लो, बोलो यार रुक जा बेटा थोड़ा समझा दे, देखो पांचवा देख लो समझाए, अरे यार बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग, यहाँ पे देख लो अब इसको देख लो ध्यान से देखना, ये लिखा है वन प्लस एल एच एस ले लेते हैं, क्या ले लिया एल एच एस, ये लिखा है देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन ले लो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन ले लो, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, बोलो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ये आएगा देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, बोलो हो गया है? इसको हम कहते हैं वन अपॉन में कर ले, बोलो तो वन साइन कॉस में बदल ले, तो हो गया क्या वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका लासा ले ले तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो ये होता है वन ऊपर वाला, होता कि नहीं होता है? तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो इसको दोनों को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया, बोलो हो गया प्रूफ। अब ये बार नहीं आया समझ, इसको साइन कॉस में बदल लिया, ये भी समझ में नहीं आया कैसे आ गया, हाँ पांचवा ये लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दो है ना, अल्लाह कर लिया वन को इतना बाना, ठीक है तो ये दोनों आ गए, इसको साइन कॉस में बदल लिया, साइन कॉस एलसीएम लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसको कहते हैं ये आ गया, इसको उल्टा कर दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब छठवां बताया, बोलो इसको साफ कर देते पहले, बोलो भैया कौन सा उतार उतार ना बेटा, समझ लो पहले एक बार समझ लो, लोग इसी बता दे, छठवां देखो छठवां देख लो, छठवां देख लो ये दिखा है देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कॉस कॉमन ले ले, बोलो भैया तो यहाँ पे क्या जाएगा वन प्लस एल एच एस ले लिया हमने तो वन प्लस क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कॉस स्क्वायर होगा, बोलो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वन अपॉन तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बोलो
ये हो जाएगा कोटिस पार्टी का। बोलो प्रूफ हो गया? हो गया। सातवां दिख रही थी, सातवां समय पर थी। ये लिखा है, देखो ये लिखा है, तो इसको अगर गौर से दिखाया तो ये देखो, इसको ए स्क्वायर बना माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, रुक जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, हाँ बोलो, ठीक है, ये है लिखा है। इसको अब इसको खोल लें, हम एक्सपेंड कर लें, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आएगा, ये हो गया बन, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, तो इसको कहते हैं वन ओवर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। बोलो तो यहाँ पे जाएगा, देखो साइन साइन हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, हो गया प्रूफ, सातवां प्रूफ हो गया। इसको देखो बेटा एल एच एस लिया हमने, तो इसको कहते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो एक क्वेश्चन होता है ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ये वाला हो गया वन, बचा ए वाला, तो इसमें कहते हैं कॉस स्क्वायर को हम साइन में बदल दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का गुणा होगा तो ए प्लस का हो गया, सॉरी माइनस का हो गया ए प्लस का हो गया, तो प्लस प्लस के दो जुड़ जाएंगे, माइनस बना, हो गया प्रूफ, अभी समझ में आ गया, ठीक है बेटा। साइन स्क्वायर कॉस को बदल दिया तो वन माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, ये वाला ये नहीं लिखा, अभी समझ में आ गया, ठीक। अब एटवां आठवां देखिए, आठवां देखो ये लिखा है, कौन सा आठवां, ये वाला है, तो इसका एल चीज ले लें हम, ठीक है, तो एल चीज ले लिया, देखो यहाँ पे तो सेम आ जाएगा, ऊपर वाला देखते हैं, देखो इसको खोल लिया, एक्सपेंड कर दें ऊपर वाला, तो क्या आएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस टू साइन थीटा, ये तो आएगा, और इसको खोल देंगे दूसरे वाले को, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा, अपन में कॉस स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिख लो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो है, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और देखो ये सेम सेम लिखा है, दो हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया दो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, वही तो लिखा है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, टू अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ। क्या बेटा, नहीं नहीं नहीं, दो ऊपर नीचे कहाँ होता है, ऊपर अकेला होता है गुणा, अभी सब समझ में आ गया है, जिसको नोट करना हो कर ले सकते हैं, तो मैं और सवाल देता हूँ। अब अपनी अपनी कॉपी से कहते हैं सब लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।